फर्स्ट जो हम लगाएंगे इसके अंदर स्क्रीन, ये देखिए ये इसके अंदर लगने वाली है इसके अंदर स्क्रीन, जो कि मिलती है आपको फुल्ली वाटरप्रूफ वाली, जो कि लगने वाली है इसके अंदर मर्सिडीज़ वाली। सर मैं तो आया हूँ ग्रेटर नोएडा से, अब सोचिए इतने दूर से मैं आ रहा हूँ सिर्फ यहाँ करोल भाग के लिए, आराम से पानी पियो, चाय पियो एंड देन अपनी गाड़ी तैयार करके ले जाओ। बहुत हेलो हाय व्यूअर्स, तो देख सकते हैं ये इसका फ्रंट वाला कैमरा था, फ्रेंड्स वेलकम बैक में, मैं हूं आपको अपना राजभर आज आपके सामने लाया हूं GS 310। देख सकते हो ये भी बिल्कुल न्यू ब्रांड है, जो कि इसको भी ज़्यादा से नंबर 1B की इसको लाए हुए हैं अभी, और इसके अंदर जो वर्क है क्रैश गार्ड टॉप रैक, क्रैश गार्ड हो गया आपका, वाइजर हो गया, हैंड गार्ड हो गए, और सबसे लेटेस्ट ना मैं दिखाता हूं आपको इसके अंदर क्या लगने वाला है। मेन है ना इसके अंदर, अभी तक आपने मेरी बाकी वीडियोज़ के अंदर देखी थी लाइक मीटियोर हो गया और दो चार बाइक हिमालयन वगैरह और हो गई, बट इसके अंदर होगी फर्स्ट जो हम लगाएंगे इसके अंदर स्क्रीन, ये देखिए ये इसके अंदर लगने वाली है इसके अंदर स्क्रीन, जो कि मिलती है आपको फुल्ली वाटरप्रूफ वाली, जो कि इसके अंदर इंस्टॉल्ड होगी, जिसके अंदर कैमरा वगैरह सबको मिलेंगे आपको, लाइक दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये स्क्रीन होगी अपनी। इसके बाद इसके अंदर मिलेंगे आपको कैमरास, एक लगेगा कैमरा फ्रंट में, एक लगेगा कैमरा आपका बैक में, और ये है इसकी फिटमेंट जो कि इसके अंदर फिट होने वाली है, आप हैंडल में कर लो या GPS माउंट के अंदर कर लो, कहीं पर भी आप ये फिट कर सको, करेंगे फिट फिर उसका दिखाएंगे आपको कहाँ होने वाली है। और ये इसका मैनुअल कि किस तरीके से क्या क्या होता है, ये सारा इसके अंदर मैनुअल है जो भी है, ठीक है जी। अब इसे रखते हैं हम और उसके बाद दिखाते हैं बाकी आइटम इसके अंदर क्या क्या लगने वाली है अपनी। इसका वाइज़र लगने वाला है जो कि ब्लैक कलर का लगेगा, ट्रांसपेरेंट फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ब्लैक कलर का लगेगा इसके अंदर, और साथ में इसमें लगने वाली है आपकी हैंड गार्ड, जो कि देख सकते हो ये हैंड गार्ड इसमें लगने वाला है, ये ब्लैक कलर का लगेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर लगेंगी फॉग लैंप जो कि लगने वाली है इसके अंदर मर्सिडीज़ वाली, ये देख सकते हैं मर्सिडीज़ वाली इसके अंदर लगने वाली है, साथ में इसमें सम गार्ड लगना है, रेडिएटर गार्ड इसके अंदर लग चुका है, और उसके बाद अभी और करते हैं इसे पहले कंप्लीट ऑल अबाउट क्या क्या होने वाला है, टायर अगर वगैरह जैसे इंस्टॉल हो ही रहा है इसके अंदर, तो करने वाला कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे एक एक करके। अब थोड़ा सा कस्टमर रिव्यू ले लेते हैं पहले स्टार्टिंग में, और अब मिलाता हूँ मैं GS 310 वाले भैया से, इनकी क्या राय है और ये कैसे हैं सर, आप बताइए सर। जी सर मैं तो आया हूँ ग्रेटर नोएडा से, अब सोचिए इतने दूर से मैं आ रहा हूँ सिर्फ यहाँ करोल भाग के लिए, इसका मतलब इसका यहाँ का वैल्यू एक अच्छा खासा है, मैं कहीं और नहीं गया, पहले वाली शॉप पे गया था, वहाँ पे उन्होंने बोला कि रिडायरेक्ट किया यहाँ पे आने के लिए, काम देख के और जो इनके पास इक्विपमेंट्स है वो देख के इतना अच्छा लगा कि मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि यार इनके पास ये नहीं अवेलेबल होगा तो कहीं और जाना पड़ेगा, आप यहाँ बैठो आराम से पानी पियो, चाय पियो एंड देन अपनी गाड़ी तैयार करके ले जाओ, बहुत अच्छा लगा। तो ये अभी का स्टार्टिंग का रिव्यू था जो कि आपने देख ही लिया है। 2 hours later आपको दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल न्यू नेवली आ चुकी थी हमारे पास GS 310, और इसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई है वो आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ कि अब इसके अंदर फाइनली क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इसके अंदर वाइजर से, जो देख सकते हो वाइजर इसके इंस्टॉल कर दिया गया, काफ़ी लॉन्ग साइज का BMW का जनरल फिटिंग वाला इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया, लुक चेकआउट कर लो कैसे लगने के बाद, और साथ में इसमें नीचे देखने मिलेगा आपको हेडलाइट ग्रिल जो कि लुक को करता है काफ़ी इनहेंस, और आपके हेडलाइट भी होते हैं पूरी तरीके से सेफ, फुली सेफ हो जाती है, क्योंकि जब भी राइड करते हुए क्या होता है पत्थर वगैरह आकर लगती है लाइट पर स्क्रैचेस वगैरह आते हैं, अब वो पंगा हो गया सॉल्व, क्योंकि भैया आप चाहे कुछ भी आ जाए ये स्क्रैच नहीं लगने देगा आपके हेडलाइट पर। और उसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर सबसे मोस्ट लोडेड वाली चीज़ जो इसके अंदर लगाई है हमने, वो दिखाता हूँ, चाबी ऑन कर देखिए, इसमें HT भागती हुई दिख रही होगी आपको, देख रहे हो, इसे कहते हैं एंड्रॉयड डिस्प्ले जो कि इसके अंदर इंस्टॉल की है, और इसको हम करते हैं ऑन लाइक पासवर्ड, अबे नो कर दिया क्या, सपन हो चुकी है, और इसके बाद इसमें दिखाएंगे आपको हम ऐप्स जो कि देख सकते हैं, कार प्ले का पूरा सेटअप है इसके अंदर, आप कुछ भी इसके अंदर एक्टिवेट कराना है अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो पूरी तरीके से, और कैमरा ऑन करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें, ये देखिए ये DVR ऑन हो चुकी है, ये बैक साइड का कैमरा हो गया, ये मिलेगा वो फ्रंट वाला कैमरा, और अभी ना इस फ्रंट वाले कैमरे में हाय करूँ, हेलो हाय व्यूअर्स ओके, तो देख सकते हैं ये इसका फ्रंट वाला कैमरा था, और अब करता हूँ बैक वाला कैमरा, देखिए ये देखिए बैक वाला कैमरा भी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, मैं हूँ आपका राजू भाई, तो ये देख सकते हैं कैमरा इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं आपके दोनों साइड, एंड्रॉयड डिस्प्ले जैसे कि मैंने आपको बताई थी वो इसके इंस्टॉल कर दी गई है, और इसमें सब कुछ माइक हो गया, प्लेबैक हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, स्नैप हो गई, सब कुछ इसके अंदर आप कर सकते हो अपना फ़ोन कनेक्ट करने के बाद,
क्योंकि ये आपका एंड्रॉयड सिस्टम जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई डिस्प्ले एंड्रॉयड वाली, और साथ में ना इसमें लगा दिया GPS GoPro माउंट्स, देख सकते हो ये भी इसके अंदर इंस्टॉल गया, इस पर आपको इजीली फिट हो गया, और जो क्लैंप वगैरह से प्रॉपर फिटिंग आपकी कोई जुगाड़ नहीं इसके अंदर, सिंपली इजी टू फिटेड है जो फिट कर दिया गया इसके अंदर आपका GPS माउंट। और उसके बाद आपको दिखाने वाला हूँ मैं इसके हैंड गार्ड जो कि मिलते हैं आपको ओरिजिनल BSGP के, देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त अल्टीमेट लुक निकल कर आ रही है इसके लगने के बाद, दोनों तरफ इधर भी सेम इधर, और लुक के साथ साथ ये करते हैं आपके पूरे हैंड भी सेफ और साथ में लीवर भी होते हैं पूरी तरीके से सेफ। और लीवर पर लीवर की बात आई गई तो लीवर की बताया तो आपको देखिए इसके अंदर लगाए गए हैं आपके लीवर जो कि है एडजस्टिंग प्लस फोल्डिंग, ये देखो समझिए फोल्डिंग प्लस एडजस्टिंग वाले इसके अंदर लगा दे दोनों तरफ लीवर, जो कि मिलता है आपको GS 310 ब्रांडिंग की आपको जर्मन, ये है ओरिजिनल जो इसके अंदर लगा दिए गए, इसमें कोई आपका जुगाड़ नहीं, सिंपली इजी टू फिटेड है जो इसके अंदर फिट कर दिए गए हैं। और उसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर रेडिएटर गार्ड, देखिए ये रेडिएटर गार्ड है लगा दिए गए, रेडिएटर जिससे होता है पूरी तरीके सेफ, और रेडिएटर सेफ होने के साथ ही ना लुक भी काफ़ी इनहेंस हो गई, और इसमें लगाई गई है आपकी स्टेनलेस स्टील वाली, लोहे की लोग लगाते हैं बहुत सारे बट मैं यूज़ करता हूँ इसके स्टेनलेस स्टील जिससे जंग का खतरा खत्म, रेडिएटर होगा पूरी तरह सेफ। और नीचे आपको दिखाएंगे ये है आपका मेटल वाला मिलता है G310 ब्रांडिंग के साथ आपको मिलता है सम गार्ड लगाने के बाद आपका जो ऑयल फिल्टर ना ये होता है पूरी तरीके से, क्योंकि जब भी आप गाड़ी राइड करते हो ना टूट गया कुछ भी हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है पूरी तरीके से, तो प्रॉब्लम हो जाती है पूरी सेफ, क्योंकि अब आपका टूटेगा नहीं आपका ऑयल फिल्टर, और अगर वो टूटा तो आपको पता नहीं क्या होता है आपका वो टूटने का मतलब हो गया कि गाड़ी आपकी वहीं पर हो जाएगी स्टॉप, तो वो स्टॉप नहीं होगी अब इससे लगने के बाद। और साथ में जो रेडिएटर गार्ड है उससे बेनिफिट बता दो क्या होता है, उसका बेनिफिट आपका ये होता है कि जब भी आप राइड करते हो पत्थर वगैरह कुछ भी अगर रेडिएटर पर लगता है रेडिएटर डैमेज हो जाता है, तो उसको बचाता है वो रेडिएटर आपको होता है पूरी तरीके से सेफ। और इधर आपको देखने मिलेगा मोटर स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग के साथ आपको BMW के आपके मिलते हैं ग्राफिक्स जो कुछ इस तरीके से हैं ग्राफिक, ये इसके अंदर रिम ग्राफिक ये भी हमारी तरफ से लगा दिए हैं, पूरा लुक चेकआउट कर लो दोनों तरफ से किस तरीके से आ रहा है, अगर इधर व्यू नहीं आ रहा नज़र तो इधर से दिखाओ आप, ये देखिए पूरा देख सकते हो आप, देख रहे हो ये GS 310 के ओरिजिनल है जो कि इसके अंदर लगा देंगे हमने, और साथ में ना इसमें लगाया है GS 310 की ब्रांडिंग के आपको टैंक पर और थाई पर देख सकते हो, ये ओरिजिनल है देख रहे हैं G310 GS, सेम इधर मिलेगा GS 310 टैंक पैड और ये मिलेगा थाई पैड, दोनों लुक चेक करो अल्टीमेट लुक निकल कर आ रही है इसे लगने के बाद, और आप समझ सकते हो कि जब आपको जो ये इससे लुक भी नहीं तो साथ में ना आपका टैंक होता है पूरी तरह से सेफ, क्योंकि आपका बेल्ट वगैरह यहाँ पर लगते हैं टैंक पे आपके निशान आ जाते हैं, पैंट रगड़ते हैं थाइस लगने लगे हुए तो इस आपको पता है कि इसमें भी स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो वो आपके पूरे पूरे बच जाते हैं ये सब लगने के बाद। और साथ में इसमें दिखाता हूँ वो क्रैश गार्ड, ये देखिए ब्यूटीफुल लुकिंग के अंदर ब्लैक ब्यूटी आपका लगा दिया गया इसके अंदर क्रैश गार्ड जो है आपका जर्मन फिटिंग वाला फुल्ली, तो देख सकते हो इसकी लुकिंग काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है, इसमें कोई आपका टू पीसेस नहीं है सिंगल पीस है ऊपर से लेकर ना और नीचे तक पूरा प्रॉपर फिटिंग, और भाई साहब इतना है ना एक लोअर लट जैसे कहते हैं वो है ये, और गाड़ी गलती से गिरती भी ना आपकी तो पूरी फेयरिंग पूरा टैंक और आपके खुद के लैग्स ये करता है प्रोटेक्ट आपका क्रैश गार्ड, सेम इधर तो इस तरफ से दोनों तरफ प्रोटेक्ट हो जाता पूरी तरीके से। और साथ में इसमें लगा दिए गए इसके अंदर फॉग लैंप जो कि आपको मिलती है JJ ओरिजिनल, देखिए ये आपका हो गया इसके अंदर वाइट, ये आपका हो गया येलो, वाइट येलो ये आपको मिलते हैं इसके अंदर फॉग लैंप जो कि JJ ओरिजिनल है वाई वाली, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है इसके अंदर, और हम पता है ना आपको विदाउट वायर कटिंग वाला काम करते हैं जैसे कि वो पता ही है कि हम वायर कटिंग ना हो तो ये हमारा मोटिव रहता है सबसे पहले, इसलिए मैं बोलते हुए कि कभी भी कराओ अपने सामने कराओ किसी से, क्योंकि भैया आपने करो चले गए ना गाड़ी छोड़कर किसी और की शॉप पर तो वो क्या वायर कट करके लगा देते हैं, सामने भी यही करते हैं पीछे भी, हमारा क्या है सामने करा हुआ तब भी वही होगा पीछे कराओ तब भी वही होगा। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इधर देख सकते हैं ये इसका सैडल स्टे जो कि इसके अंदर लगा देंगे प्रॉपर फिटमेंट, सेम इधर सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, ये इसका प्रॉपर सैडल स्टे BMW 310 वाले जो कि इसके इंस्टॉल कर दिए गए, इसे लगाने के बाद अब आप चाहो तो पैनल्स वगैरह भी इसके अंदर लगा सकते हो। और बात करते हैं फिर टॉप बॉक्स की, टॉप बॉक्स देख सकते हैं आप ये टॉप बॉक्स है जो कि लगा दिए गए GS 310 ब्रांडिंग के साथ, देख सकते हो आप 45 लीटर का आपको मिल जाता है टॉप बॉक्स, ये देख सकते हैं ये टॉप बॉक्स है, और इसे खोल कर स्पेस दिखाता हूँ कितना सारा होता है, देख सकते हैं काफ़ी सारा इसे स्पेस के अंदर मिल जाता है 45 लीटर का आपका ये होता है, और ये होता है पूरा आपका एल्यूमिनियम का। और देखो पैडिंग वगैरह देखो इसकी कितनी अल्टीमेट पैडिंग है इसके अंदर, जो आप कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह इसके अंदर रख सकते हो, और बाकी हेलमेट वगैरह आपका इजीली आ जाता है इसके अंदर, जैसे कि भैया हेलमेट MT का भी परचेज कर रहे हैं वो इसके अंदर भी लॉन्ग साइज का है MT का, ये इसके अंदर हो रहा है मज़ा, ये देखिए ये इसके अंदर आपका इजीली फिट हो गया काफ़ी बिग साइज़ का ये वाला हेलमेट MT वाला जो आप देख सकते हो, और आप देख सकते हो स्पेस के साथ ये होता है डिटैचेबल, सिंपली कुछ नहीं करें ये लॉक खोलेंगे लॉक खोल के आपका निकल जाएगा, और आप चाहो तो इसको इजीली कहीं पर भी
रख सकते हो स्टॉप बॉक्स को निकाल कर, यूज़ नहीं करते तो। और साथ में आपको देखने मिलेगा इसके टायर, अगर BMW ब्रांडिंग के साथ मिल जाता है वो टायर अगर देखते तो, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा। इसे इंस्टॉल करने के बाद डस्ट वगैरह आगे जाने से बचते पूरी तरह देख सकते हो, और साथ में लुक भी काफ़ी है नाइस हो जाती है इसे लगने के बाद। और दिख रहा हो साइड स्टैंड जैकेट जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई, इसे लगाने के बाद ना एक तो आप कहीं भी अगर खड़ी होती है ना आपकी बाइक वगैरह, तो क्या होता है बाइक खड़ी करिए अब कीचड़ होती है, मिट्टी होती है, डस्ट होता रहे तो कुछ भी होती है ना, तो ये वहीं पर ही स्टेबल खड़ी रहेगी इसे लगाने के बाद, क्योंकि इसका पंजा चौड़ा होगा। लाइक इसको शूज़ बना दिया गया है आपके स्टैंड के अंदर, तो वो देख सकते हो समझ सकते हो इसका क्या यूज़ होता है। और इसके बाद यहाँ पर आकर इसकी होगी मॉडिफिकेशन कम्प्लीट ऑल अबाउट। अब सिर्फ इसमें एक काम दो काम रह गए इसके अंदर जब भी भैया करवाएंगे, एक तो रहेगा पैनियर्स और दूसरा रहेगा फॉक्स रेडर और शॉकर प्रोडक्शन, ये दो चीज़ें लगते हैं। ये गाड़ी वैसे फुल लोड हो चुकी है इसकी, जो कि आपको मिलते हैं GS 310। और अब मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है फाइनली उनको कैसा लगा। हेलो सर, वंस अगेन कैसा लगा ये बताइए, बहुत देर से आप इंतजार, कब आपकी बाइक? अब ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं बाइक देके कुछ और आया था और लेके कुछ और दूसरी बाइक लेके जा रहा हूँ। लिटरली पूरी मॉडिफाई हो गई है एक टाइप से, और मतलब कहते हैं ना कि एक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो कि इतनी तो मेरी अच्छी बाइक बन जाएगी, पर उससे काफ़ी बेटर हो सकती है। तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ आपके वर्क से, आपके लोगों के वर्क से। मैं रिकमेंड करता हूँ और भी लोगों से जो भी आना चाहे, और GS के साथ आना चाहते हो तो आप GS यहीं पे लेके आए और कहीं ना जाए। थैंक यू। और वायरिंग वगैरह आपने देखी तो किस तरीके से? जी बिल्कुल, वायरिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है, और वायरिंग का ये भी देखा गया है कि कहीं से भी कोई टाइट या लूज़ ज़्यादा ना हो, कि अगर कहीं फंसने का चांस हो या कहीं अलग से फंसने का चांस हो, उस सब की टेस्टिंग और हमको दिखा के अच्छे से कैमरा सेटअप एंड समथिंग और सब बढ़िया से किया गया जी। तो ये थैंक यू सर, थैंक यू आने के लिए आपका भी। और जैसे कि ये भैया थे, कहाँ से आए थे भैया? मैं ग्रेटर नोएडा से आया था। ग्रेटर नोएडा से। तो भैया ने पता है एक सरप्राइज़ दिया कि वैसे नॉर्मली क्या होता है कोई बाइक लेके आता ना तो पहले कॉल कर लेते हैं, वैसे ना कॉल नहीं कर सकते, लोकेशन लगे और आप बंदे आ गए अपने आप ही बिना किसी टेंशन के। इन्होंने यूट्यूब से निकाला लिंक, लोकेशन सीधा आ गए हमारी शॉप पर। तो समझ सकते हो ये आप लोगों का प्यार है, जो सीधा न्यू बाइक आपकी यहाँ पर आकर ब्रेक लगते हैं, रास्ते में कोई रोकता है कुछ भी, तो भैया नहीं हमें किसे कराना नहीं है। और आप भी अगर कहीं नहीं फंसना चाहते ना तो इस चीज़ ध्यान दें हमेशा, जब भी आप जाते हो ना, एक तो वहाँ पर शॉप के बोर्ड पर लिखा हुआ राजू भाई बाइक मॉडिफिकेशन, क्योंकि राजू भाई मेरा नाम है और आपको पता है मेरी ही शॉप है, और वहाँ पे राजू भाई बाइक मॉडिफिकेशन तो समझ लो मेरी ही शॉप है। वैसे मेरी दो शॉप है मार्केट के अंदर, मार्केट के बाहरी मेन रोड पर, आपको अंदर जाना ही नहीं है। जब भी आते हो हनुमान जी की मूर्ति के पास जनरल मेट्रो के अपोजिट, और वहाँ से अंदर आओगे आप आर्य समाज रोड जो कि ये मेन रोड है, पहले चौक पर मिलेगी ये वाली शॉप जो कि है आपको जिससे वीडियो बना रहा हूँ, दूसरी शॉप मिलेगी आपको नेक्स्ट चौक पर। तो दोनों चौक पर अपनी दो शॉप्स हैं, आप कहीं भी जाकर काम करा सकते हो। और आपको नहीं मेरे से कराना है कि भैया राजू भाई जाऊँगा वहाँ के, तो मैं इस शॉप पर मिलता हूँ, और बाकी उस शॉप पर चाहो तो उस शॉप पर आप जाता रहता हूँ दिन में, ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए मुझे जाना पड़ता है वहाँ पर। तो आपको आपने देखेंगे वीडियोज़ मेरी, उस शॉप की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल, नए नए हो तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, पुराने हो तो आपको पता ही है कि वीडियोज़ वगैरह दोनों शॉप्स में बनाता हूँ। बाकी वीडियो अच्छी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें राजू भाई स्टडी को, जो कि मिलेगा आपको यूट्यूब पर, सेम मिलेगा इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर इस बार नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मत दियन, गुड बाई।